हेलो एस्पीरेंट वेलकम टू द यू पी एस सी एनालर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़ पेपर अनालिस डेटेड ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस एनालिसिस हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पी चाहिए प्लस स्टार्टिंग पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो ये आपको कॉस्ट करेगा हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ इसके लिए क्या प्रोसीजर है पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है देन यू हैव टू चेंज योर प्रोवेसी सेटिंग्स उसके लिए सेटिंग्स में जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रूप चैट्स वहाँ पर आपको एवरी बडी चूज करना है यू कैन पे वाई आर यू पी आई टू द मैंशन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉग विद योर टेलीग्राम यूजर आई डी टू द मैंशन जी मेल आई डी सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मैंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा बेसिकली जो भी सोर्सेज यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरी डे बेसिस आपको डेली पी डी मिलेंगी आपको डेली कोर्जेस मिलेंगे पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशनस होंगे आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी जो स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड होगा करंट अफेयर से उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड इसका प्राइस है टू थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाई आ यू पी आई टू द मैंशन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ई मेल आई डी मोबाइल नंबर प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैंशन जी मेल आई डी देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडिड टू द प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़ अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं फर्स्ट न्यूज द रिफॉर्म्स पॉलिसीज ओवर एट ईयर्स मेड इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी तो इंडिया आज यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है तो प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है पिछले आठ साल में जो रिफॉर्म्स किए गए जो पॉलिसीज की लाई गई उसकी वजह से ही इंडिया आज यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन पाया है तो हम यहाँ पर बात करते हैं किस किस की बात की गई फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड सैटरडे दैट इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स ओवर द लास्ट एट ईयर्स आर रीजन्स वाई द कंट्री को टाइट ओवर द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक रोजगार मेला लॉन्च किया गया था तो गवर्नमेंट की यहाँ पर जो ड्राइव है कि दस लाख लोगों को रिक्रूट किया जाएगा ओवर एटीन मंथ्स तो उसके लिए ही यहाँ पर रोजगार मेला को लॉन्च किया गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हेल्प ऑफ मोर देन रुपीज थ्री लाख करोड़ टू एम एस एम ई तो यहाँ पर बात की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जिसके तहत यहाँ पर तीन लाख करोड़ का लोन जो है वो प्रोवाइड किया गया है टू एम एस एम ई फिर यहाँ पर बात की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज ओवर द लास्ट एट ईयर्स ही सेट इंडिया हैज जम्प्ड फाइव प्लेसेज फ्रॉम बींग द वर्ल्ड टेंथ लार्जेस्ट इकॉनॉमी आज हम बन चुके हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी ही लिस्टेड वेरियस स्कीम्स फॉर एक्जाम्पल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और गवर्नमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर काम कर रही है फिर यहाँ पर दो बिग क्रिएटर्स बताए गए हैं जॉब्स के मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म तो मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए लेकर आएगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और यहाँ पर जो टूरिज़्म है टूरिज्म को पोष देने के लिए जो स्कीम है दैट इज़ स्वदेश दर्शन स्कीम इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है लेकिन स्वदेश दर्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिसेंटली अभी टू वर्जन लॉन्च किया गया है

प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम तो अगर आप पीडीएफ बाय करोगे तो आपको उसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा इन सारी स्कीम्स से रिलेटेड अगर आप नहीं बाय कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इन स्कीम्स के बारे में पढ़ना है अब हम आगे चलते हैं चाइना रीअ ऑफ शी बाय शी फॉर शी हिज क्लियर फॉर री कॉर्ड थर्ड टर्म तो यहाँ पर जो चाइना की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनको यहाँ पर थर्ड टर्म मिलने वाला है चाइनाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी रीअफंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कंटिन्यू डोमिनेंस इन रनिंग द नेशन अब यहाँ पर जो इनकी पॉलिसीज हैं शी जिनपिंग की उनका ये है कि जो स्टेट कंट्रोल है उसको एक्सपेंड करना है ओवर द इकॉनमी तो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स ये नहीं चाहते हैं ये चाहते हैं कि जो स्टेट का कंट्रोल है ओवर द इकॉनमी उसको यहाँ पर एक्सपेंड किया जाए बस इसमें यही बताया गया है नेक्स्ट है आफ्टर इलेक्शन कमीशन नाउ कैग वर्क टू रेड फ्लैग फ्री कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को यह कहा था कि अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी पोल प्रोमिस कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन पोल प्रोमिसज को वो कैसे यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल क्या इसके लिए वो एडिशनल रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे क्या वो वो यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे या एडिशनल बोरोइंग्स करेंगे तो कैक्स सजेशन कम्स आफ्टर द ईसी आस्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू स्पेल आउट वेज एंड मीन्स ऑफ रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू फाइनेंस देयर प्रोमिसज एंड देयर फिजिकल इम्पैक्ट टू दैट

तो कैग का ये कहना कि कैग यहाँ पर पैरामीटर्स को डिवाइस करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर रेड फ्लैग किया जा सकता है सब्सिडीज के बर्डन को ऑफ बजट बोरिंग्स को डिस्काउंट्स को एंड राइट ऑफ्स को तो आपको सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत से कैग का चैप्टर पढ़ना है तो कैग आपको जो भी एक ही पेज का चैप्टर है तो जो भी आपको वहाँ पर रिवाइज करना है आर दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव बिकम रेवेन्यू डेफिसिट पोस्ट पेंडेमिक और सोर्सेज का ये कहना है जो स्टेट्स के यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ यहाँ पर हे वायर हो जाएगा तो यहाँ पर जो रेड फ्लैग करना जरूरी है सब्सिडीज को और यहां पर जो भी बोरिंग्स की जा रही हैं ऑफ बजट बोरिंग्स की गई जा रही हैं इन सबको रेड फ्लैग करना यहाँ पर जरूरी है तो इसके लिए यहाँ पर कैग जो है वो पैरामीटर्स को डिवाइस करेगा द कैग हैज बीन हाईलाइटिंग इशूज रिलेटेड टू सब्सिडीज एंड अदर एक्सपेंडिचर्स इन द स्टेट्स बजट बट इन द प्रोपोज मैकेजम यहां पर कैग का ये भी कहना है कि जो ऑफ बजट बोरिंग है और जो डिस्काउंट्स है और जो राइट ऑफ्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विल हैव अ रियल इशू जो कि होगा रीपेमेंट और यहाँ पर जो स्टेट्स का आधा बजट है ना वो रीपेमेंट ही चला जाएगा वॉट एवर बजट विल गो इन मेनी प्लेस इन ओनली सस्टेनेबल नहीं है तो यहां पर कैग पैरामीटर्स को डिवाइस करेगा और यहां पर फ्लैग किया जाएगा सब्सिडीज को ऑफ बजट को, डिस्काउंट को, को जो कि यहां पर प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एम पी हाई कोर्ट का जजमेंट एक बार देख लेते हैं द इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ रिड्यूज सेंटेंस ऑफ लाइफ इम प्रजनमेंट टू अ मैन कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग अ माइनर और जिस माइनर की एज यहाँ पर चार साल थी टू ट्वेंटी ईयर्स रेगरस इम क्योंकि वो एटलीस्ट इतना तो काइंड था कि उसने यहाँ पर उस बच्ची को जिंदा छोड़ दिया तो यहाँ पर यही जजमेंट था ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर आज़ादी सेट की बात की गई है तो आज़ादी सेट को यहाँ पर लॉन्च किया गया था स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से आज़ादी सेट को यहाँ पर बनाया गया है सात सौ पचास यंग गर्ल स्टूडेंट्स जो कि सेवेंटी फाइव गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया में थी अब ये इसरो तो का बेसिकली इसरो यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहा है गर्ल्स को कि गर्ल्स यहाँ पर इस फील्ड में है इस क्या होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो आज़ादी सेट आपको पता होना चाहिए जिसमें सेवनिटी फाइव पे लोड्स और इन पे लोड्स को बिल्ड किया गया है बाई सेवन फिफ्टी यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्राम सेवेंटी फाइव रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया और ये यह यहाँ पर जो इसरो है वो पुश करने की कोशिश कर रहा है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पर इस फील्ड के लिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे यहाँ पर और तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं न्यू जम्मू एंड कश्मीर कोचा रूल एथनीसिटी नॉट लैंग्वेज टू बी क्राइटेरिया तो कुछ टाइम पहले होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था जम्मू कश्मीर में द बेनिफिट्स ऑफ फोर परसेंट रिजर्वेशन इन जम्मू एंड कश्मीर वर अवेलेबल टू पहाड़ी स्पीकिंग पीपल लिविंग इन राजौरी पूंछ बारामूला एंड कुपवारा अब यहाँ पर यह अनाउंस किया गया था कि जो पहाड़ी ग्रुप है उसको भी यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा द मूव रिप्लेसिंग द वर्ड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल विद पहाड़ी एथनिक ग्रुप इज सीन एज अ प्रीलू टू ग्रांटिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू देम तो पहाड़ी जो ग्रुप है उसको यहाँ पर एस स्टेटस दिया जाएगा ये होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था और होम मिनिस्टर ने इसीलिए अनाउंस किया था क्योंकि उनका कहना था कि जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए टू तो गुजर बाकीवालाज एंड पहाड़ीज अब यहाँ पर जो पहाड़ी लोगों का रिजर्वेशन दिया जाएगा वो वो यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं एथिनसिटी की बेसिस पर दिया जाएगा द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू पहाड़ी स्पीकिंग पीपल विल इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड नॉट लैंग्वेज तो यही यहाँ पर बस न्यूज है अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर बात की गई है एक साइक्लोन की जिसका नाम है सितरंग और सितरंग नाम दिया है यहाँ पर थाईलैंड ने और लो प्रेशर एरिया जो है वो प्रिवेल हो रहा है ओवर द बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर यह हिच कर सकता है बांग्लादेश को ट्यूसडे को गवर्नर इन द रिंग तो यहाँ पर बात की गई है वैसे तो गवर्नर की यहाँ पर पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात की गई आरिफ मोहम्मद खान की तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर मेंशन है शाहबानो केस तो खान हु द पोर्टफोलियोज ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री एंड कंपनी अफेयर्स एंड होम रिजाइंड इन 1986 जब गवर्नमेंट उस समय की राजीव गांधी की सरकार ये डिसाइड करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर देते हैं लेजिस्लेशन लाकर इन पार्लियामेंट तो संडे का न्यूज़पेपर पेपर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम शाहबानो केस को ही डिस्कस कर लेते हैं तो शाहबानू एक महिला थी जो कि कोर्ट में जाती है और वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए उनके लिए और जो उनके पांच बच्चे हैं उसके लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ द 1973 सेवेंटी थ्री कि उनको सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस प्रोवाइड होना चाहिए तो ये जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी का ये लीगल बनाता है कि मैन को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना होगा बोथ ड्यूरिंग द मैरिज एंड आफ्टर डिवॉर्स अगर वो खुद के लिए केयर नहीं कर सकती है अब इनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम था अहमद खान उनका यह कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया सिर्फ हस्बैंड्स को ये रिक्वायर करता है कि आपको इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देना है डिवोर्स के बाद अब ये जो इद्दत पीरियड होता है ये नब्बे दिनों का पीरियड होता है कि आपको यहाँ पर ज़िंदगी भर मेंटेनेंस नहीं देना है आपको सिर्फ यहाँ पर नब्बे दिनों का मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है अब इद्दत इज़ द पीरियड ऑफ टाइम कि वुमेन को यहाँ पर वेट करना होता है आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ और डिवोर्स बिफोर मैरिंग अनदर मैन और ये जो ड्यूरेशन होता है ये लगभग होता है नब्बे समय का मुस्लिम पर्सनल लॉ अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यहाँ पर डिसीजन इस हिसाब से लेना है कि वो यहाँ पर सीआरपीसी को इम्प्लीमेंट करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ को इंप्लीमेंट करे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये कहना था कि ये वॉयेशन होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब 1985 में अपना जजमेंट देता है तो वो ये कहता है कि यहाँ पर सीआरपीसी 1973 के ही प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि जो सीआरपीसी है वो सारे सिटीजनस के ऊपर एप्लीकेबल होता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन तो यहाँ पर सी का इंप्लीमेंटेशन की बात की गई तो इसका मतलब ये है मेंटेनेंस यहाँ पर हमेशा के लिए दिया जाएगा ना कि सिर्फ़ इद्दत पीरियड के लिए अगर यहाँ पर वुमेन जो है खुद के लिए केयर नहीं कर सकती है उसके बाद यहाँ पर जो राजीव गांधी सरकार होती है वो पास करती है मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ नाइनटीन और ये जो लॉ है ये ओवर टर्न कर देता है शाहबानो डिसीज़न और यहाँ पर ये यह कहा जाता है जो मेंटेनेंस पीरियड होगा वो यहाँ पर सिर्फ इद्दत पीरियड होगा तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वो सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए दिया जाएगा तो यही था यहाँ पर शाहबानो केस कि यहाँ पर शाहबानो कोर्ट गई थी उन्होंने मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट की कि उनको अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी मेंटेनेंस मिलना चाहिए लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत यहाँ पर सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देना होता है जो कि नब्बे दिनों का पीरियड होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो यहाँ पर सी आर पी सी के बेसिस पर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो सी आर पी सी वो सारे इंडियन सिटीजन के ऊपर अप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन इसीलिए यहाँ पर सी आर पी सी का एप्लीकेशन होना चाहिए लेकिन उसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार एक लेजिस्लेशन लेकर आती है और इस जजमेंट को कर देती है ओवर फिर यहाँ पर मौेरा की बात की गई है दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन सोलर पावर्ड विलेज कहाँ पर है गुजरात में तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक लाइन मैंशन है जो कि क्वेश्चन बन सकता है वॉट आर यू की लर्निंग्स यहाँ पर पूछा गया था अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नॉर्थ इंडिया है नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर जो सरकारें होती हैं उनको टाइम नहीं दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल अब उनको टाइम नहीं दिया जाता है कि आपको यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करना है और वो प्रोजेक्ट पाँच साल में देखना भी चाहिए कि आपने क्या किया है तभी आपको वोट्स मिलेंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को नहीं लाया जाता है सस्टेनेबल सल्यूशनस को नहीं लाया जाता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से यहाँ भी यहाँ पर जो सरकारें होती हैं वो भी पॉपुलिस्ट काम करती हैं कि पाँच सालों में देखने तो लग जाए कि हमने क्या किया तभी तो पाँच साल के बाद हम यहाँ पर वोट मांगने जाएंगे तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सल्यूशन्स नहीं लेकर आते हैं प्रॉब्लम्स हिजाब पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट हमने बहुत बार डिस्कस किया लेकिन आज हम फिर फिर से डिस्कस करेंगे हिजाब इज इज़ नो डिफरेंट इट नॉट अगेंस्ट अब यहाँ पर कोई हिजाब पहन रहा है तो ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट भी नहीं है डिसेंसी के अगेंस्ट भी नहीं है मोरालिटी के अगेंस्ट भी नहीं है हेल्थ के अगेंस्ट भी नहीं इर रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस अ वुमन वेयरिंग द हिजाब इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्राम वुमेन तो ये तो हम कंपेयर नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर टू जज बेंच का जो डिसीजन आता है जो कि स्प्लिट वर्डिक्ट होता है तो यहाँ पर जजेस के क्या आर्ग्यूमेंट है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जस्टिस गुप्ता एंड जस्टिस धूलिया द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग ऑफ हिजाब मे बी आर रिलीजियस प्रैक्टिस और ये हो सकता है कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी हो इस्लाम फेथ में लेकिन आप उस रिलीजियस बिलीफ को एक सेकुलर स्कूल में लेकर नहीं जा सकते हो जो कि स्टेट फंड्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है जस्टिस धूलिया इनका ये कहना है कि बिलीफ अगर यहाँ पर सिंसियर है और अगर किसी को बैन हार्म नहीं कर रहा है तो कोई भी जस्टिफेबल रीजंस नहीं हो सकते कि आप यहाँ पर हिजाब को क्यों बैन कर रहे हो क्लासरूम में जस्टिस गुप्ता तो इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है तो यूनिफॉर्म को यहाँ पर पहनना चाहिए और ये यहाँ पर आर्टिकल नाइनटीन वन ए को वॉयलेट नहीं करता है रादर ये तो री करता है राइट टू तो इक्वालिटी को जस्टिस धूलिया आस्किंग अ प्री यूनिवर्सिटी स्कूल गर्ल की आपको अपना हिसाब निकालना है एच स्कूल गेट तो ये है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी और ये वॉयलेटिव है आर्टिकल नाइनटीन वन ए एंड ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस गुप्ता कि अगर हमें यहाँ पर प्रियम्बल के जो गोल हैं जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी उसको अगर हमें अचीव करना है तो बेसिकली हमें रिलीजियस डिफरेंसेस को रिमूव करना होगा इन को रिमूव करना होगा फिर यहाँ पर सेकेंड जज का आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया तो अपनी डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है तो बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंसेज हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ दे चूज नॉट टू अटेंड क्लासेज ड्यू टू द यूनिफॉर्म दे That has been प्रिस्क्राइब तो ये उनका वॉल्ट्री एक्ट है कि वो यहाँ पर हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती है और यूनिफॉर्म में अगर हिजाब अलाउड नहीं है तो अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहती हैं तो ये उनका वॉल्ट्री एक्ट है तो यहाँ पर सेकेंड जज का ये कहना है कि अगर वो यहाँ पर हिजाब पहन रही हैं स्कूल जाने में और अगर उनकी जो कंजर्वेटिव फैमिली है सिर्फ अगर वो हिजाब पहन कर जाती हैं तभी अलाउ कर रही है तो बेसिकली इस केस में हिजब हिज हर टिकट टू एजुकेशन तो आपको यहाँ पर देखने की आपकी प्रायोरिटी क्या होनी आपको इन्फोर्समेंट ऑफ़ ड्रेस कोड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड तो कॉन्ट्रोवर्सी फिर यहाँ पर जो ईरान में हिजाब एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इंडिया में ये जो पूरा हिजाब की रूलिंग आई है तो यहाँ पर ऑप्शन ने ये बताया है कि दोनों केसेस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो है कि चॉइस की या रूल की तो कॉन्ट्रोवर्सी इज़ बिटवीन चॉइस एंड रूल चॉइस रेप्रजेंट फ्रीडम डिग्निटी प्रवेसी एंड डाइवर्सिटी लेकिन जो रूल है वो है प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी रूल्स हैं वो अपने रूल्स यहाँ पर सबके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं नेक्स्ट यहां पर बताया गया है इंडियाज मैरीटा हिस्ट्री रन्स डीप एंड लॉन्ग हेयर तो बात की गई लोथल की और ढोलावीरा की धोलावीरा वार्ट ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री जो डॉकयार्ड है लोथल में इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन बिल्ट ऑफ बर्न ब्रिक्स लोथल फ्लरिश विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल रिच इंडिया हिस्ट्री बट डिक्लाइंड द एविडेंस फ्राम लोथल सजेस्ट कि हरप्पन्स काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे पीपल हु बिलीव्स इन ऑर्डरलीनेस विजिबल इन द प्लानिंग ऑफ टाउंस एंड सिटीज़ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजे इसके अलावा ट्रेड रेगुलशंस भी थे एफिशियट एडमिनिस्ट्रेशन का द नोट फॉर द आर्ट इफेक्ट्स फाउंड इन लोथल तो कौन कौन से आर्ट इफेक्ट्स मिले हैं लोथल में बोर्ड्स मिली हैं पर्शियन गल्फ की सील्स मिली है बैगल्स मिला है अ मॉडल ऑफ अचेरा कोचा ममी अचेरा कोचा पेमिड एंड सुमेरियन हैड और इसके अलावा यहाँ पर प्रेशियस और सेमी प्रेसियस स्टोन्स भी मिले हैं फिर यहाँ पर ढोलावीरा की बात की गई है ढोलावीरा काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट वाटर सिस्टम था द पीपल हु लिव्ड हेयर फॉर एन एस्टिमेटेड ट्वेल्व हंड्रेड ईयर आर नोटेड फॉर देयर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन एन अदरवाइज पास्ट लैंडस्केप फिर यहाँ पर ढोलावीरा जो है वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इन ट्वेंटी लिस्ट ऑफ यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये आपको पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मेंशन है ऑफ गुड एंड ईवल चाइना में रैंप अप न्यूक्लियर आर्टसनल आफ्टर शी एसर्ट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक डेटरेंस तो यहाँ पर जो चाइना है वो अपने न्यूक्लियर आर्टसनल को इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इनकी जो राइवलरी है वो यूएस के साथ है और यूएस एक मेजर न्यूक्लियर पावर है इसीलिए इनको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज़ करने की जरूरत है इनको अपने न्यूक्लियर ट्राइट को स्ट्रेंदन करने की जरूरत है एज वेल एज़ इट्स सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक केपेबिलिटी अगर इसको न्यूक्लियर अटैक के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है अब हम चलते हैं आगे यहां पर मेंशन किया गया है जियोर्जिया मिलोनी का जो कि इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं एनर्जी प्राइजेज अ कंसर्न लेकिन इकॉनमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यही यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट में कहा गया है अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीच किया तो फर्स्ट पेज पर यह बताया गया है प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि पिछले आठ सालों में यहाँ पर सरकार ने जो पॉलिसीज लेकर है सरकार जो रिफॉर्म्स लेकर है उसकी वजह से हम यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन पाए हैं तो ई सी एल जी एस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम यह सब आपको रीच करना है फिर यहाँ पर नेक्स्ट में हमने क्या के बारे में डिस्कस किया कि क्या यहाँ पर पैरामीटर्स को डिवाइस करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर सब्सिडीज और ऑफ बजट बोरिंग्स और जो डिस्काउंट दिए जाते हैं राइट ऑफ दिया जाता है उनको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा सके फिर चाइना में यहाँ पर थर्ड मिल रहा है जो कि यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को फिर यहाँ पर आज़ादी सेट हमने डिस्कस किया तो आज़ादी सेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इसके जो पेलोट्स है वो बिल्ड किए गए बाई सेवन फिफ्टी यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्राम सेवेंटी फाइव रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया तो ये इसरो का पोष है कि गर, गर्ल्स को यहाँ पर पुश करना है इन टू द स्टेम फील्ड दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वन आर डिजिटल ब्लैकआउट तो यहाँ पर क्या है कुछ गाँव हैं वहाँ पर सात से आठ बजे तक डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर स्क्रीन टाइम नहीं यूज़ करेगा और कोई यहाँ पर टी नहीं देखेगा सब लोग बैठे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो वीनिंग चिल्ड्रन ऑफ द स्क्रीन इज अ चैलेंज एनी वेयर एंड इवन हेयर है, इट हैज़ बीन ईजीयस सेट देन डन क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग थे वो कह रहे थे नहीं हम तो बोर हो रहे हैं हम तो टी देखेंगे ही देखेंगे तो ये सब लोगों के साथ थोड़ी बहुत लेकिन उसके बाद लोग समझ गए कि हाँ डिजिटल ब्लैकआउट ज़रूरी है और यहाँ पर कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप स्क्रीन से दूर रहो नाउ कैग वर्क्स टू रेड फ्लैग फ्रीवीज तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं न्यू जम्मू एंड कश्मीर कोटा रूल तो एस ST का स्टेटस दिया जाएगा पहाड़ी ग्रुप को अब यहाँ पर ये अनाउंस किया था होम मिनिस्टर ने कि एस ST स्टेटस दिया जाएगा पहाड़ी ग्रुप को लेकिन ये जो दिया जाएगा ये यहाँ पर एथनिसिटी के बेसिस पर दिया जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं दिया जाएगा बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू पहाड़ी स्पीकिंग पीपल इन जम्मू और कश्मीर विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एथेनिसिटी एंड नॉट लैंग्वेज फिर यहाँ पर साइक्लोन सित्रंग जो कि हमने डिस्कस कर लिया फिर शाहबानो का केस तो शाहबानो का केस में तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था उन्होंने मेंटेनेंस को कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए अंडर सेक्शन वन टू फाइव ऑफ द नाइनटीन सेवेंटी थ्री सीआर पी सी तो सी आर पी सी उन्नीस सौ तिहत्तर के तहत उनको सेक्शन एक सौ पच्चीस के तहत उनको मिलना चाहिए मेंटेनेंस लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अलाउ करता है कि मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए लेकिन सिर्फ इद्दत पीरियड तक जो कि नब्बे दिनों का होता है अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ये देखना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है या तो सीआर पी सी इंप्लीमेंट करना है फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट

यूनेस्क लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो ये फैक्ट आपको याद रखना है चाइना अपने न्यूक्लियर आर को इंक्रीज करेगा क्योंकि चाइना को स्ट्रेटजिक डेटरेंस यहाँ पर बिल्ड करनी है जिसके लिए चाइना अपने न्यूक्लियर आर को इंक्रीज करेगा इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जियरजिया मिलोनी एनर्जी प्राइजेस कंसर्न है लेकिन हमारी इकॉनमी स्ट्रॉंग फुटिंग पे है क्योंकि हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है ये यह यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे